अप्रैल 2016 को गणेश कृष्ण जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर नगर से स्थानांतरण द्वारा श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के रूप में जनपद व मंडल स्तरीय प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य का पद संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो विरासत में प्राप्त हुई इसकी साख को न केवल अक्षुण रखने की चुनौती बल्कि इसे प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का दायित्व। मैंने अपने सूक्ष्म निरीक्षण में यह पाया कि केवल कुछ तकनीकी सुधार से इसे संभव किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने शैक्षणिक व शिक्षणेतर क्रियाकलापों के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न समितियों एवं साथ ही वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अध्यापक अभिभावक संघ का गठन किया, जिसके फलस्वरूप आर्थिक संसाधन की कमी न होने के कारण अपनी कल्पना की संपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में सफल रहा। विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए सर्व सुविधा संपन्न व सुसज्जित भवन के साथ ही विद्वान अध्यापक, फर्नीचर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु स्वच्छ पृथक व पर्याप्त प्रसाधन कक्ष, पर्याप्त व आवश्यक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएं, समुचित क्रीड़ा सामग्री व आधुनिक सुविधा संपन्न क्रीड़ा स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण हेतु उपकरण व सुसज्जित सांस्कृतिक मंच, बालिकाओं की समस्या समाधान व उनके स्तरों उन्नयन हेतु पृथक महिला परामर्शदात्री, हरित परिसर, साइकिल व अन्य वाहन स्टैंड पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसका प्रभाव वर्ष दर वर्ष विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में हुई क्रमशः वृद्धि है। विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों का संस्था के प्रति बढ़ता विश्वास भी मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उनके लिए शिक्षक कक्षों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के साथ ही अतिरिक्त वर्गों के संचालन की आवश्यकता महसूस होने पर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से वित्त विहीन व्यवस्था अंतर्गत 20 अतिरिक्त संवर्गों के संचालन की अनुमति प्राप्त कर सुयोग्य अध्यापकों का चयन किया गया, जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों की उत्तम शिक्षण दिलवाने बल्कि रोजगार की तलाश में भटक रहे योग्य व प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने में भी सफल रहा। स्थान होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी प्रतिभाशाली तो हैं, परंतु उनमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की कमी साफ परिलक्षित होती है। इसके लिए मैंने विभिन्न शिक्षणेतर कार्यक्रमों जैसे वाद विवाद, संभाषण, प्रश्नोत्तरी, निबंध कला, संगीत, रंगोली, विज्ञान प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को निखारने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप यहाँ के विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन कर विद्यालयों को गौरव का अवसर प्रदान किया। विद्यालय में प्रदूषण रहित शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के साथ साथ अनुशासनहीनता की नगण्य घटनाओं ने अभिभावकों के मन में उनकी बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा के प्रति निश्चिंतता का भाव उत्पन्न किया। मेधावी बच्चों के निर्बाध शिक्षण हेतु उनके निःशुल्क शिक्षण गणवेश व पुस्तकों की व्यवस्था, निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षण प्रवेश परीक्षा द्वारा एक समान प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षण व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप देने हेतु समितियों का गठन, उनका सक्रिय क्रियान्वयन, जनपद स्तरीय शैक्षणिक शिक्षणेतर व क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन, विद्यार्थियों के भविष्य की योजनाओं हेतु विशेषज्ञों द्वारा परामर्श आदि के उत्तम प्रबंध से अपने अल्प सेवा काल में विद्यालय को प्रदेश स्तरीय सम्मान की सूची में पहुँचाने में सफल रहा। विद्यार्थियों को समय समय पर योग शिक्षा, स्वच्छता व स्वास्थ्य के नियमों के प्रति जागरूक करने के परिणाम स्वरूप अधिक छात्र संख्या के विपरीत विद्यार्थियों में पूर्व से ही विकसित सदाचरणों ने वैश्विक स्तरीय कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी उन्हें संक्रमित होने से बचाए रखा तथा
इस काल में विद्यालय के विद्वान व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में कुशल शिक्षकों ने न केवल अपने विद्यार्थियों का वर्चुअल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक शिक्षण किया, बल्कि NCERT की मांग पर शासन के अनुरोध पर विभिन्न विषयों के उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वीडियो बनाकर प्रेषित किया, जिन्हें NCERT द्वारा अनुमोदित व स्वयं प्रभा ई ज्ञान गंगा चैनलों पर प्रसारित किया गया। जिनके उपरोक्त उत्कृष्ट कार्य हेतु विद्यालय के 6 शिक्षकों को शासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कल्याण व विद्यार्थियों के हितार्थ गए उपरोक्त निर्णयों के बहुत उत्साहजनक व अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया व विद्यार्थियों ने वर्ष दर वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा जनपद व प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई। विद्यालय का हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा फल सदैव 95% से अधिक रहा।